हेलो, मिलना है तुमसे अभी। घर के पीछे जो गली है वहाँ आकर मिलो। और हाँ, दिवाली का मौका है, खाली हाथ मत आना, सोने की मिठाई लेकर आना, समझ रही हो? ज्वेलरीज जी, 10 मिनट में बाहर आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा और अंदर आकर होने वाले पापा को उसके पापा के सामने बधाइयां दे दूंगा। दलजीत जी, तिजोरी लॉक करके जल्दी आइए। जी राजीव जी, आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जी आती हूँ। तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? आ रही है। बस किसी भी तरह ये प्रेगनेंसी वाली बात भी आप संभाल लेना। अब आप सोचिए, अगर घर वालों को, मम्मी पापा को, बच्चों को इस बारे में पता लग जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरी नजरें झुक जाएंगी। कितने खुश दिख रहे हैं सभी लोग। अपने परिवार की ये खुशियां अपने घर के आंगन से मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कहाँ हो तुम? अरे टीटू, कठे है गी दलजीत, अभी तक आई को नहीं, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आ रही मम्मी, आ रही है। इतनी देर लगा दी? कहीं टाइम हो गया? 8 बजने को है भाई। अरे टिट्टू के पापा, ये दलजीत ना, जब भी कहीं से आने में इतना समय लगाए ना, हमारा तो दिल बैठा जाए। क्यों? आप पूछ रहे हो क्यों? आपको पता ना है, जब जब दलजीत कोई काम से गई है ना, तो वहां से भागी गई। मम्मी आप कुछ भी बोल रही, मैं देख कर आता। रुकिए, कल बोला मम्मा ना रूम में नहीं होंगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनको जाते हुए देखा। और हाँ, मम्मा के पास बैग भी था। हैं? हाँ? लो, बैग लेके गई है तो पक्का भागी होगी। मुझे मेरी ममता चाहिए, जो मेरी जिंदगी है। एक नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाए, जो रिश्ते खोए हैं वो वापस आ जाए। दलजीत जी, क्या हो गया? दिवाली का टाइम है, खुशियों का माहौल है, आप क्यों मुरझाई हुई है, क्या बात? नहीं नहीं राशि जी, कोई गल नहीं, सब कुछ ठीक है जी। ठीक तो नहीं है, इतना तो जानता हूँ मैं आपको, कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, बताइए, मुझे बता सकती हैं? नहीं राजीव जी, एक्चुअली गल ये है कि सुबह से ये सब कुछ काम काज, ये सब कुछ चल रहा है ना, तो टायर्ड हो गई, थोड़ी सी थकान है बस। नहीं थकान नहीं है, कोई तो बात है। क्या बात है बताइए ना, मुझे बता सकती हैं आप? अरे नहीं मिस्टर क्यूटू, मैं एकदम ठीक हूँ, चलिए दिवाली मनाते हैं, चलिए। अरे चलिए। पक्का? हाँ जी। तो जरा फुलझड़ी। आउच! क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया, दिखाओ। ममता जी तुझे ठीक हो? हाथ जला लिया तुमने अपना, है? ध्यान रखा करो ना, चलो अंदर चलो, आओ मेरे साथ। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आराम आ रहा है ना?
आराम तो आपके टच करने पे ही आ गया था। हाँ जी, मतलब जी इतने कूल है कि उनके टच करते ही मुझे अच्छा लगने लगा। कमाल है, तुम मुस्कुरा रही हो। ज्यादा जल जाती ना तो फिर दवाई खानी पड़ती, और ऐसी हालत में तुम दवाई खा नहीं सकती। तुम मेरी बात मानती नहीं हो। ये दिवाली का शोर, ये धुआं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना बेबी के लिए अच्छा, और तुम सुनती नहीं हो ममता। अब जैसा मैं कहूंगा ना तुम वैसा करोगी। तुम्हें भी आराम की जरूरत है और बेबी को भी आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, यहीं रहो कमरे में, ठीक है? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुमसे बात चीज बात तो मैं आपकी पूरी लाइफ मानूंगी, लेकिन आज नहीं। आज मुझे आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करनी है, प्लीज करने दीजिए ना। ममता नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लीज। तुम्हें भी आराम की जरूरत है, बेबी को भी आराम की जरूरत है, समझा करो ना। तुम प्लीज आराम करो, तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी, ठीक है? रजी जी चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे जी। यही रहना, आराम करना, ओके? और ये लगा लो, आराम करो। आइए चलिए। दलजीत जी, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? किस बारे में? मतलब ममता जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह से बिहेव कर रही थी, मुझे अजीब लगा, आपको नहीं लगा? हाँ जी, मतलब कुछ गड़बड़ है ना, ये तो सही नहीं है। अरे राजीव जी, तुसी टेंशन ना लो। आप तो जानते ही है ना कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, मूड चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। हाँ जी, सब ठीक होगा। चलिए आप कह रही हैं तो ऐसे ही होता होगा। आप कुछ बात करना चाह रही थी, बोलिए। ये घर अपने बैग कैसा है? बैग में वो बैग में व्हाट इज दिस? ज्वेलरी बॉक्स के अंदर स्टोन्स? राजी जी, गल ये है कि मैंने ना डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर का यही कहना है कि अभी फिर भी ममता जी सेफली ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है ना। अगर अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हम तो अभी उतना अनसेफ नहीं है। इनफैक्ट अगर बाद में ट्रैवल करेंगे तो शायद रिस्की हो सकता है। और राजीव जी, मुझे भी यही सही लगता है। देखिए, अगर ममता जी 3 महीने के लिए यहाँ रुक गई, कुछ भी हो सकता है राजीव जी, रिस्की है ये। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.